बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ मसरूफियत थी, इस वजह से आज का सीन कुछ इस तरह का है कि आज इंशाल्लाह इरादा है भावलपुर जाने का, तो आपको भी साथ ले चलता हूँ। सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, नज़र आ रहा है, आप भी देख लें। चलिए, गाड़ी आ गई है, गाड़ी में बैठते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। अभी रास्ते में बैठ चुके हैं, नाश्ता करना है, 1.5 घंटा हो गया सफ़र कर लिया है, अभी नाश्ता करते हैं। कर लिया हमने, आधा सफ़र भी तय कर लिया है, बाकी आधा है, तो मिलते हैं भावलपुर जाकर, करते हैं आपसे बात। ओके, ये पानी साथ, पानी की बोतल ली है साथ रखने के लिए, सॉरी यार रोड पर हूँ, आवाज़ अगर क्लियर नहीं आ रही आपको। भावलपुर ज़ू में एंटर हो चुके हैं और सबसे अच्छी बात तो ये यहाँ की, यहाँ पर टिकट बहुत सस्ता है, बड़ों की 6 रुपए और बच्चों की 4 रुपए।
आपको शेर नजर आ रहा है कि आप लोगों के लिए अंदर हाथ डाल डालकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। कम से कम वीडियो को लाइक कमेंट तो शेयर कर दो। एक मेरा यारा एक ओदी यारी यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है वही मेरी। फिर जू को तो हमने देख लिया है, वो बस ठीक है, कुछ खास तो नहीं है। अभी इरादा है भावलपुर म्यूजियम जाने का या फिर किसी और जगह, देखते हैं वहां पर जाकर मिलते हैं आपसे। तो खींच मेरी फोटो, तो इस वक्त भावलपुर म्यूजियम के मेरे पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भावलपुर म्यूजियम है, वहां पर पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं अंदर जाके पता नहीं ओपन है या नहीं, फिर अंदर आपको लिए चलता हूं। पहले आप थोड़ा सा इसका बाहर का व्यू देख लें। ओके, तो इस वक्त मैं भावलपुर के अजैब घर में खड़ा हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ की दिखाता हूँ। सबसे पहले एक गाड़ी देख लें, आपको पुरानी गाड़ी नज़र आ रही है और इसकी साइड में कुछ तारीखी पिक्चर हैं, ये भी देख लें। ये किसकी है? हाँ, ये जंग आज़ादी हिंदुस्तान के अंदर, तो ये बाकी आप पढ़ लें। और ये टीपू सुल्तान की लड़ाई में तलवार के जौहर दिखाते हुए, इसको लाइक करें यार। और दूसरा क्या है? हाँ, ये आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर की पिक्चर है। आपको कांच में कुछ चीज़ें कपड़े नज़र आ रहे हैं, बंद 20वीं सदी की कुछ शाल वगैरह हैं, वो है। मैं इनको दिखाता हूँ आपको फोकस करके। ये 20वीं सदी के कुछ कपड़े वगैरह हैं, उस वक्त के डिज़ाइन। और ये बर्तन और भी हैं। ये कुछ कमाल की चीज़ें हैं, तलवारें भी हैं, जंगी सामान है। इसको फोकस करके दिखाता हूँ आपको। ये तलवारें हैं और ढालें भी, नीचे तीर कमान भी रखा है। सलमान हर्ब और थोड़ा आगे हैं तो ये नेजे वगैरह रखे हैं। और ये तीर, ये मजे की चीज़ है, ये गन्स वगैरह हैं, गन। ये शुरुआती जदीद असलहा, नीचे छोटा पिस्टल भी रखा है। और ये पता नहीं क्या है यार, चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ मिट्टी की बनी हुई हैं, पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ, ये नीचे आपको नज़र जो आ रही हैं शीशे में। ये सिक्के हैं, कोइन करेंसी है हर वक्त की, जो जो भी बादशाह है उनके दौर की। और नीचे इसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि किस बादशाह के दौर में ये करेंसी चलती थी, नाम भी लिखा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ फोकस करके आपको दिखाता हूँ, पता नहीं आपको नज़र आते या नहीं, देखते हैं। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है मुग़ल शहनशाह जहांगीर और नीचे सुल्तान अल्तमश, नीचे कौन है, सुल्तान सिकंदर लोधी, कयासुद्दीन बिलियन, जलालुद्दीन खिलजी,
شہنشاہ اورنگزیب، یہ سب علاء الدین خوارزم شاہ، جارج ششم پنجم، اور ریاست بھاولپور کے سکے، اور بہت سارے بادشاہوں کا نام ہے، اکبر بادشاہ اور شہنشاہ جلال الدین اکبر. آگے یہ ریاست بھاولپور اور تاج برطانیہ کے تمغہ، یہ تمغے ہیں، اور یہ چاندی کے زیورات وغیرہ ہیں. اور اب میں آپ کو ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں، یہ سائیکل رکشہ جو 1869 میں ابتدائی سواری تھی، 3 پہیے والی سائیکل، اس کا آپ ویو دیکھیں. یہ عجائب گھر تو بہت بڑا ہے یار، یہاں چاروں طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، تاریخی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جتنا ہو سکا میں نے آپ کو دکھا دیا. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اور یہ رکھے ہیں اس وقت کے توپ اسلحہ وغیرہ. میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے تقریباً ایک صدی پرانا انجن ہے، اس کے اندر کا ویو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ اوپر چڑھ گئے ہیں، یہ دیکھو ان کو پتہ نہیں پاگل ہیں، اوپر چڑھتے ہیں اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں. اوہ، اس کے اندر کا ویو ہے. اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں نور محل کے اندر، انٹر ہو چکے ہیں. یار یہاں پر ٹکٹ بہت مہنگی ہے، 25 RS روپیز کی. اندر جاتے ہیں اور آپ کو اندر کا ویو دکھاتا ہوں. اس وقت میں نور محل میں انٹر ہو چکا ہوں، باہر سین میں کھڑا ہوں، ابھی اندر جا کے آپ کو ویو میں بھی دیکھتا ہوں، آپ کو بھی دکھاتا ہوں نور محل کا. فی الحال آپ باہر کا ویو دیکھ لیں اس کا، اوپر کا. ابھی میں انٹر ہو رہا ہوں یہاں پر نور محل کے اندر، کافی رش ہے یار یہاں پر، آپ کو دکھاتا ہوں. ویڈیو الاؤ نہیں ہے نور محل کے اندر، بس میں ریکارڈ کر رہا ہوں کسی طریقے سے، اگر پکڑا گیا تو پھر جو میرا حال ہوگا اس کے لیے تو لائک کر دو ظالموں. اور یہ جو اس وقت میرے پیچھے آپ جس نواب کی پکچر دیکھ رہے ہیں، نواب فتح خان عباسی، فتح خان عباسی اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کون سی، اس کا دور حکومت ہوگا، ڈیٹ آف برتھ نہیں. یہ جو ڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک کے اوپر درباری لکھا ہے اور دوسرے کے اوپر جان ساری لکھا ہے.
हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर भावलपुर में, एक सादिक पार्क है, सादिक पार्क है पता नहीं, गुलजार सादिक है जो भी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झूले लगे हुए हैं, बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं और इरादा है झूले झूलने का। बहुत थके हुए हैं, दोपहर का खाना नहीं भी खाया, अभी एक होटल पर आ गए, यहाँ पर खाना खाते हैं और फिर वापस घर निकलते हैं।